नमस्कार, मेरे इस चैनल आरजे द स्टोरी टेलर में आप सबका स्वागत है। हर कहानी में जहाँ पर एक हीरो होता है वहाँ पर एक विलन ज़रूर होता है। महाभारत हमारे इतिहास की वो कहानी है जहाँ पर श्री कृष्ण ने एक नायक की अहम भूमिका निभाई थी, तो वहीं बतौर खलनायक था शकुनी। शकुनी केवल एक नाम मात्र नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की विशेषता के रूप में जाना जाता है। अगर आप किसी को शकुनी कह देते हैं इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत ही चालाक या षड्यंत्र रचने वाला होता है। जहाँ पर हम शकुनी को एक खलनायक के रूप में जानते हैं वहीं पर उसको पूजने वाले लोग भी हैं। जी हाँ, शकुनी का एक मंदिर भी है जो कि केरला में है। यहाँ के लोगों का मानना है कि शकुनी बहुत ही गुणवान व्यक्ति था और उसने शिवजी की तपस्या करके इसी जगह पर मोक्ष प्राप्त किया था। परंतु महाभारत में शकुनी को जैसा दर्शाया गया हमने उसको वैसा ही समझा और वैसा ही जाना। परंतु क्या उसके जीवन में कोई ऐसी घटित घटनाएं थी जिसकी वजह से वो खलनायक बना? ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसका शिकार वो बना और उसको ये षड्यंत्र रचना पड़ा और कौरव और पांडव के बीच में युद्ध कराना पड़ा? तो चलिए देखते हैं कि कैसे शकुनी परिस्थितियों का शिकार बना। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच का धर्मयुद्ध कहा गया है। श्री कृष्ण के नेतृत्व में हुए इस युद्ध को केवल श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि शकुनी भी कराना चाहता था। शकुनी अपनी बहन के वंश यानी कुरु वंश का विनाश करना चाहता था। जी हाँ, शकुनी ही था जिसने धृतराष्ट्र के वंश को नष्ट करने की कसम खाई थी, जिसके चलते उसने पांडवों के प्रति कौरवों के मन में बैर की भावना जागृत की। आज के उत्तर अफगानिस्तान को महाभारत काल में गांधार कहा जाता था, जहां के राजा थे सुबाल। राजा सुबाल के 100 पुत्र और 1 पुत्री थी जिसका नाम गांधारी था। शकुनी गांधारी का सबसे छोटा भाई था। शकुनी जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था और राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। वह चौसर का अत्यंत माहिर खिलाड़ी भी था। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाला शकुनी पांडवों का विनाश करने में कौरवों की पग पग पर मदद करता था, लेकिन उसके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। इस बदले की भावना के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। बताया जाता है कि ज्योतिष ने गांधारी की कुंडली में उसके 2 विवाह होने के योग की बात कही थी। कुंडली के अनुसार गांधारी के पहले पति की मौत निश्चित थी और उसका दूसरा पति ही जीवित रह सकता था। इस समस्या के समाधान के लिए गांधार नरेश ने अपनी बेटी गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया और बाद में उसे मार दिया गया। तो प्रैक्टिकली गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने के पहले एक विधवा थी। जब गांधारी विवाह के योग्य हुई तो उन्हें धृतराष्ट्र का रिश्ता आया। शकुनी को पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं, तो उसने इस रिश्ते के लिए मना किया, लेकिन गांधारी ने अपने पिता के सम्मान की खातिर यह विवाह कर लिया। गांधारी एक विधवा थी, यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। इन बंदियों में शकुनी भी था जो गांधार का सबसे छोटा पुत्र था। बंदी गृह में गांधार के परिजनों को भूखा रखा जाता था। उन्हें केवल मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे ताकि वे भूख से तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि जितना भी भोजन मिलता था केवल उनके सबसे छोटे पुत्र यानी शकुनी को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सुबाल ने शकुनी से कहा कि मरने के बाद उसकी हड्डियों से चौसर के पासे बनवाएं और उन्हीं से खेलें, जिससे वो चौसर में कभी नहीं हारेगा। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली।
शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा। तभी उसने कौरवों के वंश को नष्ट करने की कसम खाई। शकुनी ने धीरे धीरे अपने भांजे दुर्योधन को अपना मोहरा बनाया। चौसर शकुनी का प्रिय खेल था, जिसकी चालों में कौरवों का भयंकर विनाश छिपा था। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में युद्ध हो और कौरव मारे जाएं। ऐसा कर पाने में शकुनी के पासे भी सफल हुए। उसने चौसर में ऐसी चाल चली कि पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा बैठे और कौरवों से युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। शकुनी अपनी चाल में सफल हुआ और अंततः कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सारे कौरव मारे गए और इस तरह शकुनी के परिवार पे हुए अत्याचार का बदला पूरा हुआ। कहते हैं हर कहानी के दो पहलू होते हैं। महाभारत में शकुनी को हमने बतौर खलनायक ही देखा, मगर उसके जीवन में जो परिस्थितियां आई, जिसकी वजह से वो खलनायक बना, उसे देखकर शकुनी के लिए आपके मन में क्या विचार आते हैं? क्या वह विलन या खलनायक था, या फिर सिचुएशंस का विक्टिम यानी परिस्थितियों का शिकार था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हरिओम तत्सत।